सरफराज खान को रन आउट कराने के बाद रविंद्र जडेजा को हुआ अपनी गलती का एहसास, पूरी दुनिया के सामने इस तरह मांगी माफी। दोस्तों क्या है खबर की पूरी जानकारी वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे सब कुछ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 325 रन बना लिए थे। इस दौरान भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 131 रनों और रविंद्र जडेजा ने नाबाद 110 रनों की शतकीय पारी खेली। उनके अलावा डेब्यू कर रहे सरफराज खान ने 62 रन की पारी खेली। सरफराज खान रविंद्र जडेजा की गलती की वजह से रन आउट हो गए। इस कड़ी में स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने मैच के बाद सरफराज खान को रन आउट कराने के बाद उनसे माफी मांगी। जडेजा ने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लिखा कि उन्हें अपनी गलती का अफसोस हो रहा है। दरअसल टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने राजकोट टेस्ट के पहले दिन सरफराज खान को रन आउट कराने के लिए उनसे माफी मांगी है। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद जडेजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की और लिखा कि सरफराज खान के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, यह मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरी गलत कॉल था, अच्छा खेला सरफराज। इस कैप्शन पर जडेजा ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया। जडेजा की इस पोस्ट से यह साफ लग रहा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसे पूरी दुनिया के सामने स्वीकार भी कर लिया। वैसे दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा।